हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट खो गया है और आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि मैं ओडिशा से हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूंगा edistrictodisha.gov.in। आप जिस भी स्टेट से हो आप सिंपली सर्च कर लेना उस स्टेट का नाम डाल के, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद देखिये यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट करके टैब दिखा रहा है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिये ये सारी चीजों को इग्नोर करके यहाँ पे प्रोसीड लिखा हुआ है, तो सिंपली हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। अगर पासवर्ड भूल गए तो आप ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन करा सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली लॉगिन आईडी डालता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो मेरा लॉगिन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इश्यू द रेसिडेंट सर्टिफिकेट दिखा रहा है। हालांकि मेरे पास पहले से रेसिडेंट सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ पे जो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है मेरे पास मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं गेट डेटा करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है इसको मैंने कब बनाया था, मेरा सबमिशन डेट था 16 मार्च 2023। मेरा इसका अप्रूवल कब हुआ था 29 मार्च 2023। सिंपली मैं यहाँ पे डिलीवर पे क्लिक करूंगा और देखिए जो मेरा एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस है वहाँ यहाँ पे आ चुका है। मैंने एप्लीकेशन सबमिट कब किया था, उसका एक्नॉलेजमेंट है, किसके द्वारा वेरीफाई किया गया उनके बाद बारे में भी लिखा हुआ है, और थर्ड जो फाइनल प्रोसेस है इमीडिएट डिस्पोजल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इसका स्टेटस जो डिलीवर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली मैं जब क्लिक करूंगा रेसिडेंट सर्टिफिकेट पे, देखिए यहाँ पे मेरा रेसिडेंट सर्टिफिकेट बन के आ गया है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको अभी। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो बन के आ गया है। तो इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट को रिकवर करा सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।